वेलकम टू द स्टडी फॉर ऑल। तो साथियों, आज बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि आज दीपावली के अवसर पर एसएससी ने बहुत ही बड़ी खबर सुनाई है, क्योंकि आप जानते हो दिल्ली पुलिस का सभी बता रहे थे कहीं फरवरी में होगा या मार्च में होगा एग्ज़ाम। तो आज 13 तारीख को ये सूचना आई है। सूचना क्या, एडमिट कार्ड ही आ गए हैं, सभी के एडमिट कार्ड आने लगे हैं। और ये जो वैकेंसी आई थी, इसका फॉर्म अप्लाई होने लगा था 1/8 यानी 1 अगस्त से जो फॉर्म अप्लाई हुए थे 2020, और जिसकी लास्ट डेट थी 7 सितंबर, इसकी जो लास्ट डेट थी। और इसके जो एडमिट कार्ड आए हैं वो आए हैं आज 13 नवंबर को शाम के मीटिंग में, जो एडमिट कार्ड आ गए हैं सभी के। तो देखना ना भूलें, देख लीजिएगा। और सरकारी रिजल्ट पे भी देने लगा है, अब तो सरकारी रिजल्ट पे देख सकते हो। और इसी के साथ मैं आया था, मैं सोचा आपको बता, यदि आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलता है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडमिट कार्ड अभी यूपी और बिहार जॉइंट से जो जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है तो उनका एडमिट कार्ड निकलने लगा है। निकलने है 99% निकल जाता है, जो 1-2% नहीं है तो वो परेशान मत हो, 1-2 दिन में उनका भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी देने के लिए आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। और ये जो वैकेंसी थी लगभग 5836 वैकेंसी जो थी, जैसे कि मान लो मेल की थी 3902 मेल के लिए निकली थी और फीमेल के लिए 1934, तो टोटल मिला के 5836 हो गई थी। अभी तक ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं, और जिसमें सबसे बढ़ चढ़ के योगदान रहता है TCS का भी, 1-2 साल से तो TCS ही इसका भी करा रही है। और आप जानते हो SSC के पैटर्न क्या होता है भाई, पैटर्न है इसका, तो आप अच्छे से देख सकते हो। बात रही ये 15-20 दिन में आप कैसे क्या पढ़ें, तो अब भाई रिवीजन इज मोस्ट, रिवीजन करिएगा, रिवीजन सबसे बढ़िया है। और अब नया कुछ ज़्यादा करने का ना सोचें, जो पुराना है आपका वो अपने रिवीजन कीजिए। और बात रही कि रिवीजन, और रिवीजन के साथ साथ आप करंट पे विशेष ध्यान दीजिए, करंट अच्छे खासे से पूछता है इसमें। कंप्यूटर की बात रही, वो तो मैंने 2 से 3 क्लास ले ली थी, तो वो क्लास आप देख सकते हो। और नहीं भी, अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे ही देखो, आप किसी से भी देख लो। और कंप्यूटर खास इतना भी नहीं है कि 10 नंबर का आएगा, तो आप बुक से भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें मेन जो चीज़ है MS Word, MS Excel, और बात की जाए पावर पॉइंट, और ज़्यादातर फुल फॉर्म ज़्यादा पूछता है, फुल फॉर्म और शॉर्ट कीज जो होती हैं उन्हें आप अच्छे से देख लीजिए। आपका बिना क्लास लिए भी हो सकता है, और मैंने जो क्लास ली है उसमें मोस्ट जो 2-4 वर्षों से बराबर पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस लिए हैं। और आशा कर यही की है कि बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे ही क्वेश्चन अच्छे लेवल के लिए हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं और अपना प्यार दीजिए उसके लिए। अब 1 महीना तो है ही, क्योंकि लास्ट स्टार्ट हो गए हैं ये एडमिट कार्ड 27 नवंबर से, है नहीं, यानी जो एग्ज़ाम है 27 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और उधर 14 दिसंबर तक चलेंगे। तो अभी आपके लिए काफ़ी टाइम है, 15 दिन तो हर किसी के लिए है, ठीक है, 15 दिन तो हर किसी के लिए है, 15-16 दिन। लेकिन अब इससे जिसका 14 दिसंबर को होगा, तो 14-15 दिन उसके लिए ये और मिल जाते, 1 महीने है अच्छे से। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप अच्छे से अपनी दोबारा से मन बना लीजिए और 1 महीना है इसे झोंक दीजिए। मतलब 1 महीना तो उनके लिए है जिसका 13-14 को है, और जिसका अभी 27 को ही मान लीजिए, जिसका पड़ जाएगा 27 को या 28 को, तो उसके लिए 15-16 दिन है, तो आराम से आप देख सकते हो। तो भाई देख लीजिए, और ये अब ज़्यादा समय नहीं रहा है आपके पास, ठीक है, तो अब सीरियस हो जाइए, काफ़ी दिन आपने मौज मस्ती कर ली है। तो आप अपना एडमिट कार्ड SSC सेंट्रल रीजन करके जब डालोगे गूगल पर, तो उस पर तीसरी वाली जो वेबसाइट है उस पर निकल आता है, डायरेक्ट ही निकल आएगा, ठीक है। या फिर सरकारी रिजल्ट पे जाओगे ना, तो सरकारी रिजल्ट पे जाके उसमें आपको जो एडमिट कार्ड वाला पोर्शन है उसमें ऊपर ही दे रहा है, ऊपर ही दे रहा है दिल्ली पुलिस एडमिट कार्ड करके, तो उस पर क्लिक करना और आपको थोड़ी आपकी इन्फॉर्मेशन पूछेगा, वो भर देना, आप उसमें आराम से देख सकते हो कि किसका कहाँ और कब है, ठीक है। और आप कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइए, क्योंकि अब सभी का आएगा, केवल अभी यूपी और बिहार वालों, यूपी और बिहार रीजन के आया, तो रीजन क्या होता है, रीजन होता है जहाँ एग्जाम सेंटर आपने चुना होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए महत्वता रखती है, और आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी भी मिली होगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जल्दी आ गया, मार्च में होना था,
भाई जल्दी क्या है? अब ये मान लीजिएगा कि और जो आपके बैक एग्जाम्स पड़े हैं वो दो दो तीन तीन साल से पड़े हैं, तब भी दिक्कत है कि मतलब उनका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है या उसकी एग्जाम डेट नहीं आ रही है, ये भी दिक्कत है आपको? और जल्दी आ जाती है तो जल्दी में कोई दिक्कत नहीं है, अब आप अलर्ट हो जाइए, अभी भी आपको टाइम है, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।